शरीर साधन है, साधन के रूप में मानो इसको, लेकिन शरीर ही सब कुछ मान बैठे तो धोखा खाओगे। आदमी ना छोटी छोटी बातों में उलझ जाता है। आज तुम्हारी सारी उलझन, सारी गफलत, सारी कंफ्यूजन से निकालने हैं। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख देने वाली चीजों को अब्रह्मचर्य, भोग विलास वासनाएं दुख देने वाली हैं। कितना ही भोग के देख ले पछताओगे। हैं भोग, ये सब रोग देने वाले। लेकिन आदमी जब तक सब कुछ बर्बाद नहीं हो जाता ना, तब तक होश में नहीं आता। अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, अनात्मा को आत्मा मानता रहता है और आत्मा को अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, नित्य सुचि, सुखात्म ख्याति रविद्या। शादी भी हो चुकी है तो भी संयम पूर्वक जीवन जियो। ऋतु धर्म, ऋतुचर्या, दिनचर्या, गृहस्थ धर्म है, पूरा शास्त्र में लिखा हुआ है। पति पत्नी में जो एक संबंध होने चाहिए वैसे ही जिया करो। भोग वासनाओं के लिए गृहस्थ धर्म नहीं है। गृहस्थ बनो तो राम और कृष्ण जैसे, शिव जी जैसे बनो। और सन्यासी बनो तो महर्षि दयानंद जैसे बनो, और ज्यादा समझ में ना आए तो स्वामी रामदेव जैसे तो बन ही जाना। अपने जीवन को अच्छे से जियो, छोटी छोटी बातों में उलझे पड़े हैं, और जब तक ये उलझन खत्म होती है ना, तब तक फिर जिंदगी बीत जाती है। तो मैं कह रहा था जीवन का बड़ा लक्ष्य बनाओ। सबसे बड़ा लक्ष्य है आध्यात्मिकता। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या बोलो? इस भाव चेतना में जियो, मैं सदा ही पूर्ण हूं, मैं भी पूर्ण हूं, ये सारा संसार भी पूर्ण है। मुझे पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण पुरुषार्थ से अपने कर्तव्य का पालन करना, बस इसके लिए जीवन है। कर्तव्य पालन के लिए जीवन है बस। तो मैंने बोला ना, लक्ष्य, ध्येय, कर्तव्य पालन, बस यही जीवन है। तो आज आपको कुछ लक्ष्य और दे देते हैं। अलग अलग कालखंड में भी लक्ष्य होते हैं, समय के अनुसार भी लक्ष्य होते हैं। जैसे बचपन में पहले पढ़ाई करना लक्ष्य है कि मुझे डॉक्टरी करनी है, कि इंजीनियरिंग करनी है, कि व्याकरणाचार्य बनना है, कि दर्शनाचार्य बनना है, हैं? किस फील्ड में मुझे स्टडी करनी है, ये भी एक लक्ष्य है। और उसके बाद फिर अगले लक्ष्य चालू हो जाते हैं। ये सब पूरा करना है, और जो करो उसको कैसे करना है? मैंने कहा 100% करना है। कैसे करना है बोलो? 100%। मैं ऐसे युवा भारत के कार्यकर्ताओं को देखना चाहता हूं, जो करें 100% करें। पढ़ाई करें तो पढ़ाई में 100%, अनुशासन में 100%, करेक्टर में 100%, हेल्थ में भी, हैप्पीनेस में भी, हार्मनी में भी, हर चीज में, सद्भावना में, सौमनस्यता में, सामंजस्य में, संगठन में, समाज में, घर में, परिवार में, राष्ट्र में, पूरे होकर के जिए। ये अधूरे हो, अधूरेपन की बातें छोड़ो। और आज आपको कुछ बड़े लक्ष्य देते हैं। चलो उसी के साथ आज की इस प्रबोधन की, उद्बोधन की पूर्णता होगी। एक तो ये लक्ष्य बनाओ कि मुझे कम से कम 10% समष्टि के लिए जीना है, सबके लिए जीना है, समाज के लिए जीना है, राष्ट्र के लिए जीना है, सेवा के लिए जीना है। कम से कम कितना बोलो? 10% समष्टि के लिए। समष्टि माने सबके लिए, भगवान के लिए, सेवा के लिए। तो 10% समय कितना हुआ 24 घंटे में? बोलो जोर से बोलो। 2.5 घंटा आपको सेवा के लिए। यदि आप 1,00,000 रुपए कमाते हो तो 10% कितना हुआ? अरे जोर से तो बोलो। 10,000 रुपए आपको सेवा के लिए देना है, दान में देना चाहिए। यहां से शुरू करो, 10% अपने कम से कम सबके लिए, और 90% दोगे। इससे ज्यादा और क्या स्वार्थी बनोगे? फिर तो राक्षस हो जाओगे, हैवान हो जाओगे। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं,
मैं अपने लिए खाली इतना ही जीता हूं कि खाने के लिए दो वक्त थोड़ा सा खाता हूं और एकदम फिट हूं। दोपहर को थोड़ी सी सब्जी लूंगा, एक कटोरी दही लूंगा, शाम को एक गिलास दूध पीऊंगा। अब थोड़ा उम्र अधिक हो गई है तो दूध में एक चम्मच बादाम रोगन पीता हूं, नहीं तो मेरा दिमाग यदि मान लीजिए थोड़ा कमजोर हो जाएगा तो लोग कहेंगे बाबा जी भी भूलने लग गए। तो प्राणायाम भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, गाय का दूध पीता हूं, उसमें भी बादाम रोगन डाल के पीता हूं। इससे दिमाग इतना तरोताजा रहता है और पूरे शरीर में इतनी शक्ति रहती है। आप में से आधी उम्र वाले मुश्किल से दो चार होंगे जो मेरे मुकाबले दौड़ पाएंगे। मैं सुबह दौड़ता आता हूं तो पीछे से फोटो खींच रहे थे हमारे जवान, गुरुजी लगाओ दौड़, बहुत अच्छा। गुरुजी दौड़ रहे हैं, चेले फोटो खींच रहे हैं। मैं दंड बैठक भी लगाता हूं, प्राणायाम भी करता हूं, ध्यान भी करता हूं, सारे काम करता हूं। बस जिंदगी जीने के लिए दो गज जमीन, दो वक्त की रोटी और दो कपड़े तन ढकने के लिए, और कोई जिंदगी में कामना नहीं, तमन्ना नहीं, जो कुछ है सब सेवा के लिए है, देश के लिए है, धर्म के लिए है, आपके लिए, सबके लिए। मैं जीता हूं 100% सेवा के लिए। मैं योग भी सेवा के लिए करता हूं, मैं खाना भी सेवा के लिए खाता हूं, मैं सोता भी सेवा के लिए हूं। सोऊंगा नहीं तो सेवा कैसे कर पाऊंगा। मैं जागता भी सेवा के लिए हूं, खाता भी सेवा के लिए हूं, बोलता भी सेवा के लिए हूं, चुप भी सेवा के लिए रहता हूं, मौन भी सेवा के लिए रहता हूं, सब कुछ सेवा के लिए, सेवा के लिए। ये हो जाता आपका सेवा मय। तो 10% से शुरू करना, धीरे धीरे 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100% एक दिन सबको ऐसा जीवन जीना है, ये लक्ष्य बनाओ। तो आज संकल्प लेके जाओ, हम भी 10% अपना समय, शक्ति, ऊर्जा, जो कुछ हमारे पास है 10% देश के लिए लगाएंगे। और दहेज का एक पैसा भी नहीं लेना, पाप का एक भी पैसा नहीं लेना, पापों की तरफ एक भी कदम नहीं धरना। मित्रद्रोही, गुरुद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कृतघ्नश्च यस्य विश्वासघातकः, नराह नरकम यान्ति यावत् चंद्र दिवाकरो। एक बार भी हिंसा नहीं, एक बार भी झूठ नहीं, एक बार भी बेईमानी नहीं, एक बार भी दुराचार, अनाचार, व्यभिचार नहीं, एक बार भी अपनी मर्यादा से डिगना नहीं। मैंने कहा एक लाइन खींच के रखो पाप और पुण्य की, धर्म अधर्म की, भोग की और योग की, बस उसी पर चलना। मैं 100% जीता हूं, मैं 100% सेवा के लिए जीता हूं। आपसे कितना कह रहा हूं, मात्र 10%। और ये 10% भी जीना शुरू कर दिया ना, तो ये देश बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएगा। और मेरा लक्ष्य है कि हम अपने आंखों के सामने, अपने हाथों से इस भारत को फिर से जगत गुरु, विश्व गुरु बनाएंगे, वर्ल्ड सुपर पावर बनाएंगे। आर्थिक दृष्टि से भी, राजनीतिक दृष्टि से भी और आध्यात्मिक दृष्टि से भी भारत पुनः विश्व का नेतृत्व करे, ये सपना, ये संकल्प है हमारा। जब ऐसा सुनते हो तो सुनकर के ही कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे ही कोई भारत को जगत गुरु, विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं ना, तब कुछ लोगों को ऐसा लगता है अब तो बाबा जी कोई ना कोई राजनीतिक पार्टी जरूर बनाएंगे। अरे बावड़ा, इसका राजनीतिक पार्टी से क्या लेने देना। पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सर्व समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना है। भाई बहुत बड़ा कार्य पुरुषार्थ से होगा ना, रोम रोम में पुरुषार्थ, तुम्हारे दिमाग से पुरुषार्थ, आंखों से, कानों से, वाणी से, व्यवहार से, आचरण से, पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, परमार्थ, पुरुषार्थ, परमार्थ, बस यही साधना बन जाए हमारी, यही साध्य, लक्ष्य, ध्येय, कर्तव्य बन जाए हमारा। हां, कुछ बड़े लक्ष्य हैं। आप में से 2.5 घंटा तो सबको सेवा देनी ही देनी है, फिर जो थोड़ा और आगे बढ़े तो 5 घंटे सेवा देना, और आगे बढ़े तो पूर्णकालिक सेवा देना। ऐसे सक्रिय कार्यकर्ताओं और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करनी है सब युवा भारत वालों को। लिख लो, ये काम है तुम्हारा, ये टारगेट है तुम्हारा, लक्ष्य गोल है तुम्हारा, सक्रिय और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की
सूची तैयार करो जिससे कभी भी उनको किसी बड़े लक्ष्य के लिए लगाया जा सके। सक्रिय कार्यकर्ता वो जो ढाई घंटे का रोज समय दे रहे हैं, योग की क्लास लगा रहे हैं, जहां ये काम तो करना ही है। और पूर्णकालिक कार्यकर्ता वो जो 7 दिन 15 दिन या महीना जैसी आवश्यकता हो कभी समय दे सके। अरे इतना तो समय निकाल सकते हैं देश के लिए, 7 दिन, 365 दिन में 7 दिन मांगे कितने दिन में, 365 दिन में। पूर्णकालिक कार्य सक्रिय और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करो, फिर योग प्रचारकों की लिस्ट तैयार करो जो देखने में स्मार्ट हो, योगी जैसे दिखने चाहिए, ऐसे नहीं बावले बावले दिखे, ऐसे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर, उनका कैरेक्टर, वो प्रेजेंटेबल होने चाहिए। है? देखो ये योग ना बहुत ऊंची विद्या है। मैं स्वयं एक योग प्रचारक हूं, जितने भी ऋषि मुनि सब योग प्रचारक थे, ये योग का ही प्रचार किया, योग और अध्यात्म का प्रचार ही किया उन्होंने, किया गया जिंदगी भर। मैं भी यही कर रहा हूं, मैं भी योग की महिमा गाता हूं और सबको योगी बनाता हूं। लोगों ने भोग की महिमा गाई थी, भोग के प्रति ऐसा ग्लैमर पैदा हो गया था जिसको देखो वही भोगी बनना जा रहा था। हमने भोगियों में भी योग का ग्लैमर इतना पैदा कर दिया, आज सारी दुनिया योगी बनना चाहती है और यही एकमात्र मार्ग है, ये एकमात्र रास्ता बचा है। सुन लो जरा, योग प्रचारकों की लिस्ट थे अच्छे भाई बहनों की, मुझे ही योग प्रचारक बनना ऐसा मत सोचिए। देखिए योगी का शरीर, योगी का शील, योगी का जैसा चरित्र, योगी जैसा आचरण, योगी के तरह एक पुरुषार्थ कर सके, योगी बनना है ना किसी को तो उसको सबसे पहले मुझे देखना चाहिए। मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था ना तब से मेरी सुबह 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक सेवा और साधना करने की आदत पड़ गई। क्या पड़ गई, 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक की, बोलो 4 से 10 तक सेवा और साधना, चाहे वो ज्ञान अध्ययन अध्यापन की साधना है जो भी, 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक योग कर्मयोग बोलो, साधना सेवा बोलो, पुरुषार्थ परमार्थ बोलो, ये तो शब्द प्रयोग है। ऐसे भाई बहन जो 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक सेवा करने में अपना सौभाग्य समझते हैं, ये कोई नौकरी नहीं है। और मैं इस बात को कहते हुए घोर अनुभव करता हूं कि ऐसे 600 से ज्यादा तो योग प्रचारक हमें मिल चुके हैं और इस साल लक्ष्य है 2-3 हजार का और अगले साल तक लक्ष्य है 5,000 योग प्रचारकों का, 5,000। और चारों तरफ ये जब काम होगा तब घर घर अलख जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना जी, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, निश्चय हमारा ध्रुव सा अटल है, काया की रग रग में निष्ठा का बल है, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, धरती को स्वर्ग बनाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना बदलेंगे जमाना, बदलेंगे जमाना जी, बदलेंगे जमाना, सबको योग सिखाएंगे हम, बदलेंगे जमाना, घर घर अलख जगाएंगे, बदलेंगे जमाना। एक काम कर लो, अरे इतना बड़ा काम है योग वाला काम, योगी हो जाएंगे तो ना कोई बीड़ी पिएगा, ना कोई शराब पिएगा, ना कोई सिगरेट पिएगा। लोग कहते हैं बाबा जी दारू बंदी करा दो, गो हत्या बंदी करा दो, बाबा जी दुराचार व्यभिचार भ्रष्टाचार बंद करा दो, अरे सब योगी बन जाओ, सारे बुरे काम अपने आप बंद हो जाए। चाहे जिसका शासन हो, जहां योग का अनुशासन होगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो करना हो तो करते नहीं, नारे लगाते रहते हैं। योग से देह भी बदलेगा, देश भी बदलेगा, दुनिया भी बदलेगी, ये बहुत बड़ा काम है। तो जिनको योग प्रचारक बनना है, योग प्रचारकों की लिस्ट तैयार करो और अच्छे अच्छे बच्चे ढूंढो और ज्यादा से ज्यादा बच्चे गांव के ढूंढो,
इन शहर वालों में थोड़ा वायरस आ गया है। आप बोलेंगे बाबा जी अब तो आप भी शहरों में ही तो रहते हो, मैं शहरों में भी रहता हूँ गांव में भी रहता हूँ, लेकिन ना ये ऐसा वातावरण गर्भावस्था से लेकर के जन्म से लेकर के चारों तरफ भोग 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 देख देख करके ऐश्वर्य के प्रति धन दौलत के प्रति बाहर के आकर्षण साधनों के प्रति इतनी लालसा पैदा हो गई है, इतना ऐश्वर्य होना चाहिए। अरे भाई मैं एक बात कहता हूँ, योग प्रचारक बनो, तुम्हारी जिंदगी, तुम ब्रह्मचारी हो तो ब्रह्मचारी की, और तुम गृहस्थी बन गए तो तुम्हारे तुम्हारे पत्नी और तुम्हारे बच्चों की सारी चिंता करने के लिए, उनका सारा योगक्षेम निर्वहन करने के लिए मैं तैयार हूं। इससे ज्यादा सब कुछ है वो सब लालच में है। इससे ज्यादा जो कुछ होगा तुम्हारे पास में वो सारा का सारा जो है वो खाली लोभ होगा। इसके अलावा यदि तुम्हारे पास कुछ भी है तो वो ऐश्वर्य सेवा के लिए होना चाहिए, नहीं तो जो है वो लोभ तो लोभ है पाप से कारण, वो तो सारा अतिरिक्त तो होगा। जो तुम्हारे लिए चाहिए, तुम्हारे लिए तुम यदि मैंने कहा बिना शादी के ब्रह्मचारी रह करके हमारी तरह से सेवा करना चाहते हो तो कर लो, और यदि किसी को शादीशुदा भी रह करके सेवा करनी है तो कर लो, और पति पत्नी दोनों को करनी है तो दोनों को प्रचारक बना देंगे, कर लो आ जाओ। कई हैं हमारे पति पत्नी दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन निष्ठा पूरी कि मेरा यह जीवन योग करने के लिए है, योग कराने के लिए, यह जीवन मेरा योग के लिए है, यह जीवन मेरा गुरु के लिए है, यह जीवन मेरा भगवान के लिए है। हम तो रोज गाते हैं ना, भगवान मेरा जीवन संसार के लिए हो, उपकार के लिए हो। ये दूसरा लक्ष्य दिया है, योग प्रचारक बनो, औरों को बनाओ, अच्छे अच्छे आप भाई बहन ढूंढो, इसमें लालची आदमी मत ढूंढना, जिनके खून में बेईमानी है वो मत ढूंढना, नहीं तो उसमें भी झूठी पूठी रिपोर्ट करेंगे। नहीं, सात्विक आत्मा, तीन तरह के लोग हैं धरती पर, तामसिक, राजसिक, सात्विक। मेरे साथ बोलो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, बोलो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्य तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुण वृत्ति स्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। कुछ तमोगुणी है, कुछ रजोगुणी है, कुछ सत्वगुण वाले आत्माएं हैं, अलग अलग तरह के। मैंने एक बात देखी है संसार में, सब तरह की आत्माएं यहां, सदाचारी से सदाचारी, एक से बढ़ के एक, दुराचारी से दुराचारी, इंसान ऐसे कि भगवान जैसा दिखता है उनमें, और हैवान ऐसे कि शैतानियत भरी पड़ी है उनमें, कितने गिर सकते हैं, कितने नीच हरकतें कर सकते हैं आप देखते हो। मैंने एक ही बात देखी है, भाई सब धरती पर जो जैसा करेगा उसको मिलेगा, भाई हम जो कर रहे हैं हमें भी कुछ ना कुछ हमारे जैसे पागल जरूर मिलेंगे, हमारे जैसे योगी मिलेंगे, हमारे जैसे सात्विक आत्माएं मिलेंगे, हमारे जैसे वेद धर्म को मानने वाले, राष्ट्र धर्म सेवा धर्म को मानने वाले, वो भी हमें मिलेंगे। और भाई जिसको ऐसा मन हो वो हमारे पास में रहे ना भाई, बाकी तो दुनिया में सबके लिए सब रास्ते खुले हुए हैं। देखो भाई कुछ ना, युवक जब सेवा करते हैं बोले बाबा जी लोग ये बोलते हैं, बाबा जी लोग ऐसे बोलते हैं, बाबा जी लोग ऐसे करते हैं, अरे करने दो ना, तुम अपना काम करो। बुरे लोग अपना काम कर रहे हैं, तामसिक लोग अपना काम कर रहे हैं, राजसिक लोग अपना काम कर रहे हैं, तो सात्विक आत्माओं को अपना काम करते रहना चाहिए। कोई चिंता मत करो जमाने की, कोई चिंता मत करो, फालतू की बातें, हजारों प्रश्न इसी में से निकलते हैं, बाबा जी ऐसा बोलते हैं, बाबा जी ऐसा करते हैं, अरे तुम अपना काम किए जाओ। लोग कहते हैं बाबा जी जमाना बहुत खराब हो गया, अरे भाई तो अच्छा करना तो अच्छा हो जाएगा। और मैंने इसको जिंदगी में देखा है, मैं जिस गांव में पैदा हुआ था उस गांव में पहले शायद एक दो लोग दारू पिया करते, बीच में गांव के कुछ लोग आए बोले स्वामी जी नाश हो गया। मैंने कहा क्या हुआ, बोले पहले गांव में एक दो लोग दारू पिया करते थे जब आप रहा करते थे, आजकल उस गांव में रात को टैंकर रख दो सुबह खाली मिलेगा दारू का, क्या करें, कुछ बचा लो स्वामी जी, सारी धरती का उद्धार कर रहे हो हमारा भी उद्धार कर दो। मैंने कहा योग करना शुरू कर दो गांव में। बोले बाबा जी बस यही बात है। मैंने कहा यही है ना। बोले बाबा जी कुछ फैक्ट्री खोल दो। मैंने कहा फिर और दारू पियोगे, अभी तो पैसे कम है तो पीते हो, नौकरी लग गई और ज्यादा पैसे कमाओगे तो ये करोगे। इसलिए
पैसे होने चाहिए, धन दौलत होनी चाहिए, गाड़ी घोड़े होने चाहिए, लेकिन सबसे पहले हमारे पास में योग और अध्यात्म का बल होना चाहिए, तो ही देश बचेगा, दुनिया बचेगी। नहीं तो जितना लोगों के पास में ज्यादा पैसा होगा उतनी ज्यादा और भोग भोगेंगे, बीड़ी सिगरेट शराब दुराचार अनाचार व्यभिचार भ्रष्टाचार और गलत काम करेंगे। इसलिए साधन बाद में, साधना पहले। इसलिए अपना काम करते रहो। ये तो एक गांव की कहानी नहीं, ऐसे तो बहुत पतन है। अरे पतन है ना, क्यों उसकी चिंता करते हो? तुम उत्थान का काम करो, तुम अपना काम करो। तुम्हें कह रहा था सात्विक आत्माएं चाहिए मुझे। कैसी आत्माएं? बोलो, जोर से बोलो, सात्विक आत्माएं। बस उनको जुटाते जाओ और इस युवा भारत को ऐसा संगठन बना दो, आगे तो बहुत आगे के टारगेट हैं, वो देंगे आपको। एक तो मैंने कहा आपके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य मैंने बताया, सक्रिय और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट बनाओ। दूसरा, योग प्रचारकों की लिस्ट बनाओ। तीसरा, ये दुनिया ना ताकत की है, ताकत। जिसके पास ज्यादा ताकत, ताकतवर दुनिया में राज करते हैं। हमने तो बचपन में एक भजन सुना था, निर्बल दुख भोग रहे हैं, सुख पाते हैं बलवान। छोटे बच्चे थे तब सुना करते थे, एक पंडित ताराचंद जी हुआ करते थे, वो गाया करते। ताकत, ताकत बढ़ानी हमें संगठन की, ताकत बढ़ानी हमें सोशल मीडिया पर, मीडिया की ताकत बढ़ानी हमें आर्थिक, ताकत बढ़ानी हमें राजनैतिक, ताकत बढ़ानी हमें नैतिक। नैतिक ताकत होगी तो राजनैतिक तो अपने आप ही हो जाएगी। हमें कोई राजनीति नहीं करनी, लेकिन कोई उल्टा पुल्टा करेगा तो अपने पास में इतने लाखों करोड़ों लोगों की ताकत होनी चाहिए कि जिस जो भी दुष्टता करे उसी का सिंहासन हम बदल सके, वो ताकत होनी चाहिए आप युवाओं के पास ही। वो आप लोगों ने करके भी दिखाया, इसलिए सारा एक्सपीरियंस किए हुए हो, चिंता मत करो। ताकत, ताकत बढ़ाओ। तो सबसे ज्यादा भी ध्यान देना है आपको सोशल मीडिया, मीडिया बहुत पावरफुल होता है, उसमें भी बहुत उल्टी पुल्टी बातें चलती रहती हैं और तुरंत वायरस फैल जाता है उससे। तो किसकी ताकत बढ़ानी? बोलो, सोशल मीडिया की। इसको संकल्प के तहत बढ़ाना है, लगे रहना। इस साल दिवाली तक 2 करोड़ और अगले साल 2018 में प्रवेश करते करते 3 करोड़ लोगों को सोशल मीडिया पर जोड़ना है। ये बहुत बड़ा चक्र है, ये एक बार शुरू करो इसके ऊपर, फिर जो है ये युद्ध जैसी स्थिति बनती है। इसमें जो कोई उल्टी बात करे उसको ठोको, जोर से ठोको, और कोई अच्छी बात आए तो उसको भी जोर से ट्रेंड करा दो। तुम ट्रेंड भी करा सको और जो उल्टा पुल्टा करे उसका शीर्षासन भी करा सको, इतनी ताकत तुम्हारे पास में होनी चाहिए। तो इसको जोर से पकड़ना है। किसी बात को ना प्राथमिकता देते हैं ना, तो ये 3 तो आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। सक्रिय और पूर्णकालिक कार्यकर्ताओं की लिस्ट तैयार करना और बहुत बड़ी फौज खड़ी करना, और दूसरा योग प्रचारकों की, फिर ये तीसरा इस सोशल मीडिया की। ये बहुत बड़ा काम है, फिर आगे तो बहुत काम है अपने, उनको और मैं विस्तार से बताऊंगा। बस अभी इतना ही कहता हूं, खुद खुद योग के मार्ग पर चलना है और औरों को योग के मार्ग पर चलाना है। इसलिए हमने सबसे पहला ही संगठन का वाक्य, सबके पास में पेपर है ना, इस पेपर में क्या लिखा है सबसे पहला पढ़ो। सबसे पहला यही लिखा है, योग करना वह कराना। अकेला योग करना, इससे बात नहीं बनेगी। यदि मैं अकेला करता तो ये इतना बड़ा योग का आंदोलन, ये इतनी बड़ी योग की व्यवस्था, इतनी बड़ी योग की संस्था, इतने बड़ा योग का संगठन, इतनी बड़ी योग की सेवा कैसे खड़ी होती? योग करना एवं कराना, खुद सत्य धर्म न्याय के मार्ग पर चलना, औरों को चलाना। योग करना व कराना तथा योग व अध्यात्म का प्रचार करना, यह हम सब का परम धर्म, सेवा धर्म, राष्ट्र धर्म और भागवत धर्म, यही इसमें सारा सार है। बस इससे सब कुछ हो जाएगा। ये काम बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ी सेवा है, ये बहुत बड़ा लक्ष्य है, और इससे आपका जीवन पूरा विकसित होता जाएगा। और एक बात आपको अंत में कह करके बात को विराम देता हूं। देखो एक बात समझ लो भाई, आप योग करोगे ना तो आपकी तबीयत तो तंदुरुस्त तो अच्छी रहेगी। लोग 10 20 25 50 लाख तो बीपी, शुगर, थायराइड, हार्ट की बीमारी, कैंसर, एसएलई, एमएस, ऑटोमेन डिजीज, डिप्रेशन, इन बीमारियों में खर्च कर देते हैं। तो योग करोगे तो आपकी तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी कि नहीं? बोलो,
जोर से बोलो, आपकी सोच अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, आपको नींद अच्छी आएगी कि नहीं आएगी, आप पॉजिटिव क्रिएटिव प्रोडक्टिव इनोवेटिव रहोगे कि नहीं रहोगे, इतनी सी बात है। इसमें कौन सा बहुत लंबा चौड़ा शास्त्र पढ़ने की बात है। अरे योग करोगे तो आप खुश रहोगे, हेल्दी रहोगे, वेल्दी रहोगे, हैप्पीनेस रहेगी, हार्मनी रहेगी, कितना अच्छा काम है। ना कोई बीमारी, ना कोई बुराई, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना शराब। योग करने वाले को स्वप्न में भी शराब पीने की, नशा करने की इच्छा ही नहीं होती। योग करने वाला कभी भी बीमारियों में बुराइयों में फंस ही नहीं सकता। उसको मांसाहार करने की इच्छा ही नहीं होती। उसको लगता है मेरे जैसे ही आत्मा सब जीवों में है, मैं किसी जीव को खा करके अपने शरीर को कब्रिस्तान कब्रगाह नहीं बना सकता। योगी अपने आप ही सदाचारी होता है, शाकाहारी होता है, वो अपने आप ही वो पुरुषार्थी परमार्थी होता है, सात्विक होता है। योग करने से ना अपना जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। और इसलिए जितने भी संगठन बने हुए हैं, ये ताकत वाली बात लास्ट में तीन प्राथमिकताएं आपको बताई हैं, सोशल मीडिया की ताकत बढ़ाना और संगठन की ताकत बढ़ाना है और योग के बल पर बढ़ाना है। बहुत संगठन बने हुए हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, अलग अलग राजनीतिक दलों के बहुत संगठन बने हुए हैं। सब वहीं से युवाओं को ही पकड़ते हैं, क्योंकि बड़ा काम करने की इन्हीं में ताकत होती है। उथल पुथल तो यही करते हैं ये सब बुजुर्ग लोग, तो मेंटेन करते हैं चीजों को, बना के रखते हैं, पता नहीं जैसा भी करते होंगे। हैं, जब हम बुढ़े होंगे तब बताएंगे बुढ़े क्या करते हैं, अभी तो हम जवान हैं। सुनो, बड़े बुजुर्गों का खूब सम्मान करना, लेकिन मैं किसी को भी बुजुर्ग नहीं देखना चाहता। मैं आपको योगी देखना चाहता हूं, जो योगी रहेंगे सदा युवा रहेंगे, सदा युवा रहना। और ये ताकत किसकी? सोशल मीडिया की और संगठन की। संगठन की ताकत ऐसे बढ़ा दो कि सारे राजनीतिक दलों की ताकत फीकी पड़ जाए। राजनीतिक दल सभी बचपन में ही पकड़ते हैं, युवावस्था में पकड़ते हैं, स्कूल कॉलेज में पकड़ लेते हैं। अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने अलग अलग संगठन बना रखे हैं। ये युवा भारत एक गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन इस युवा भारत में भारत का गौरवशाली अतीत, सामर्थ्य भरा वर्तमान और स्वर्णिम भारत छिपा हुआ है। ये है ऐसा युवा भारत। तो कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति कोई हो, कोई भी किसी राजनीतिक सोच रखता हो, कोई भी किसी जाति मजहब का हो, सबको युवा भारत से जोड़ दो, यही तुम्हारा टारगेट है। बोल भैया, हमारा कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हमारा एक ही एजेंडा है, हम भारत माता की संतान हैं, हम ईश्वर की संतान हैं, हम ऋषियों की संतान हैं, हम ऋषियों के खानदान के हैं। भाई सब आओ मिलकर के योगी बनो, बस जो भी बनोगे अच्छा बनोगे। तो सबको जोड़ो, हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर यूनिवर्सिटी में युवा भारत संगठन को इतना मजबूत बना दो कि अगले बार आपका जो युवा भारत का शिविर करे ना, तो फिर आगे तो अपने को एक बहुत बड़ा आयोजन करना है, उसमें हजारों नहीं लाखों होनहार युवक युवतियां युवा भारत संगठन के साथ जुड़ चुके हों। ऐसा आपको पुरुषार्थ करना है, ऐसा पराक्रम करना है आपको। तो सब इसके लिए तैयार हैं? तैयार? तो जरूर दोनों हाथ उठा के बोलेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम।